सार्थक और प्रासंगिक कहानियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए मशहूर सोनी सब ने क्वालिटी कंटेंट और मनोरंजन के लिए एक डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसके शानदार शोज में एक है वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से, जो एक सामान्य मध्यम वर्ग की भारतीय परिवार वागले परिवार के रोजमर्रा के संघर्षों और उनमें हासिल होने वाले जीत को दर्शाता है। आज नागपुर में सोनी सब पर जो शो आता है वागले की दुनिया, ये सबका ही पसंदीदा शो है। उसकी टीम हमारे नागपुर शहर में आई है। मुझे लगता है ये दूसरी बार आपका नागपुर आना हो रहा है सर, इससे पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी, बात की थी इसी शो को लेकर। नए जश्न को मनाते हुए आप आ रहे हो, रिश्तों का जश्न है, किस तरह से ये जश्न होने वाला है सर? ये देखिए, अभी 1100 एपिसोड्स हो गए हमारे इस शो के, ढेर सारा प्यार मिला है, महाराष्ट्र से ढेर सारा प्यार मिला है, इसलिए नागपुर में दोबारा आया हूँ। क्योंकि नागपुर एक ना सिर्फ क्या कहें उसे संतरों का शहर है, लेकिन यहाँ पर परिवार भी है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी रहते हैं। एट द सेम टाइम नागपुर में मैं मेरा नाटक भी लेकर आया था। सो आई थिंक नागपुर जो है वो एक बहुत क्या कहें कला की दृष्टि से एक बहुत ही कमाल का शहर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा इसीलिए आया हूँ कि प्लीज़ हमारा शो ज़रूर देखिए, यही बताने आया हूँ। कई रिश्ते जो है वो रंजक मोड में हैं या बदलाव हमें देखने मिलने वाले, वो किस तरह से होने वाले हैं सर? देखिए अभी ऐसा है कि अलग अलग तरह के एपिसोड्स हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वागले की दुनिया कोई ऐसे एक ही कहानी वाला शो नहीं है, ये एक टॉपिकल शो है। आज पेपर में अगर कोई न्यूज़ पड़ी तो उसको लेकर के हम तुरंत हमारे राइटर्स कुछ ना कुछ लिखते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, उसी के साथ साथ संस्कार भी मिले, उसी के साथ साथ दादा दादी जॉइंट फैमिली कितनी महत्वपूर्ण है, दादा दादी नाना नानी का अपने पास होना कितना ज़रूरी है, ये भी अधोरेखित करता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। पड़ोसी, हम सारे अभी फ्लैट सिस्टम्स में आ गए हैं ना, पहले की तरह नहीं है कि चाल में रहते थे तो सबके दरवाजे खुले होते थे, अब ऐसा नहीं है। तो आज की तारीख में पड़ोसी आपके सगे रिश्तेदारों से ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पड़ोस में कौन रहता है? तो वही है कि हमारे इधर दक्कू भाई हैं और हर्षद अग्रवाल हैं, तो ये ऐसे वो नेबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अलग अलग तरह का फ्लेवर है इस शो में। जिस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग फ्लेवर होता है हर कहानी में, क्योंकि हम देखते हैं आजकल के बच्चों को क्या फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली, इसका भी संदेश जो है आपके शो द्वारा हमेशा आता है, और जो भी कुप्रथाएं होती है उसका भी, उसको लेकर भी आपके इसमें कई मैसेजेस, अच्छे मैसेजेस समाज में दिए जाते हैं। क्या बताना चाहोगे नागपुर वासियों को खास? नागपुर वासियों को मैं यही बताना चाहूँगा कि अलग अलग तरह की स्टोरीज लेकर हम आ रहे हैं। कबड्डी के ऊपर एक बहुत कमाल के कुछ एपिसोड्स अभी आने वाले हैं, महिलाओं की कबड्डी टीम जो कि साई दर्शन की महिलाएं हैं, और किस तरह से वंदना जो है कैंसर सर्वाइवर है, और उनकी एक्स कोच जो कहीं मिल जाती हैं, जो रेगुलर चेकअप के लिए जब जाती हैं तो वहाँ पर थेल्मा नाम की उनकी कोच मिलती है, वो भी एक कैंसर सर्वाइवर है, और किस तरह से उनकी व्यथा बंधु को पता चलती है, और तब वंदना और यामिनी और बाकी सब यहाँ तक कि कियारा भी सब खड़ी होकर एक टीम फॉर्म करती हैं और कैसे मुकाबला देती है, वो एपिसोड आ रहे हैं, वो देखने लायक है। दिवाली के शुभ मौके पर आप पहले उससे पहले नागपुर आए हो, हमारे दर्शकों को एक बार शुभेच्छा दी। BCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली मंगलमय हो, समृद्धि लाए, आप सबका स्वास्थ्य जो है वो सही सलामत रहे, और वागले की दुनिया सोमवार से लेकर शनिवार रात को 9 बजे देखना मत भूलिए, नागपुर कर लक्ष्य ठेवा विसरुना का। वागले की दुनिया को भी NBCN परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के एपिसोड के लिए। तो ये हमारे साथ है सुमित राघवन वागले की दुनिया से, और हमने जाना कि किस तरह से नए रिश्ते जो है वो आने वाले हैं रोमांचक तरीके से, और किस तरह के शो
अलग अलग जो मैसेजेस हमेशा हमें बागले की दुनिया से मिलते हैं वो भी हमें नए सिरे से और देखने मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।